हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ मखाने की लड्डू। देख सकते हैं कितने अच्छे और कितने परफेक्ट हुआ है। तो चलती हूँ बनाने। तो मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रखी हूँ, कढ़ाई गर्म हो रहा है। तो मैंने इसमें 150 ग्राम मखाने डाल दी हूँ। देख सकते हैं इसको चलाते हुए मध्यम आँच पर इसे मैं 2 मिनट के लिए भूनूंगी। छोड़ना नहीं है, इसको चलाते हुए भूनना है, नहीं तो जल जाएगा तो लड्डू सही नहीं होगा। तो एक ठो मैं चेक करके देख ले रही हूँ, देखिए अभी चिपचिपाहट है। तो फिर इसको 1 मिनट के लिए चलाते हुए मैं भून रही हूँ। देख सकते हैं मैं चलाते हुए भून रही हूँ। देखिए भुना चुका है तो मैं देख ले रही हूँ। देखिए भुना चुका है, एकदम कुरकुरे जैसे हुआ है। तो इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। तेल का बुरादा है, इसको मैं 1 मिनट के लिए चलाते हुए मध्यम आंच पर इसको मैं भूनूंगी। देख सकते हैं आप, मैं चलाते हुए भून ले रही हूँ इसको, मध्यम आंच पर इसको चलाते हुए भून रही हूँ। देख सकते हैं आप, अब देखिए भुना चुका है तो मैंने गैस ऑफ कर दी हूँ। अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल ली हूँ। जो मैंने मखाने भून के रखी थी वो ठंडा हो चुका है, तो इसको मैंने मिक्सी जार में डाल दी है। उसके बाद इसको मैं देख सकती हैं मैं पीस ले रही हूँ। इसको दरदरा से पीसना है, ज़्यादा महीन नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं पीसना है। देखिए अभी थोड़ा मोटा है तो मैं इसको फिर थोड़ा सा और पीसूँगी। देख सकते हैं मैं ढक कर एक बार और इसको मिक्सी चला दी हूँ। देखिए पिसा चुका है तो मैं इसी तरह सारी मखाने को मैं पीस लूँगी। सारी मखाने मैंने पीस ली हूँ। उसके बाद मैं चीनी को पाउडर बना रही हूँ। तो देख सकते हैं मैं मिक्सी जार में डाल दी हूँ और डालने के बाद इसको भी मैं पीस ले रही हूँ। देखिए पिसा चुका है एकदम पाउडर जैसे, तो इसको मैं निकाल दी हूँ। ये मखाने था, एक बर्तन में मैंने ले ली हूँ, उसमें नारियल के बुरादे को डाल दी हूँ जो भून के रखी थी। चीनी को मैंने पीस के रखी थी, देख सकते हैं मैं डाल रही हूँ, डाल दी हूँ। डालने के बाद इसमें 2 चम्मच मैंने देसी घी डालूँगी। देख सकते हैं 1 चम्मच मैंने डाल दी हूँ, 2 चम्मच भी मैंने डाल दी हूँ। डालने के बाद ये सारी चीज़ों को मैं हाथ से चलाते हुए मिक्स कर लूँगी। देख सकते हैं मैं चलाते हुए हाथ से इसको मिक्स कर रही हूँ। खाने के लड्डू को आप व्रत में भी बना के खा सकते हैं। खाने की लड्डू इतना हेल्दी होता है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर एक बार आप ज़रूर इसे व्रत में बना के खाएं। देख सकते हैं मैं कुछ ड्राई फ्रूट काट के रखी थी तो मैंने डाल दी हूँ। डालने के बाद इसको सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद मैंने 4 चम्मच इसमें दूध डाल रही हूँ। इसको उबाल के मैंने दूध रखी थी, ठंडा हो चुका है तब उसके बाद मैंने डाली हूँ। अभी दूध को मैं डालकर मिला ले रही हूँ, देख सकते हैं। फिर मैंने 4 चम्मच दूध और डाली हूँ, अच्छे से मिला ले रही हूँ। मिलाने के बाद देखिए लड्डू की तरह एकदम गोल गोल से बन जा रहा है। तो मैंने आधा कटोरी दूध ली थी तो इतना दूध बच चुका है। तो चलती हूँ अब लड्डू बनाने। तो छोटे छोटे मैं लड्डू बनाऊँगी, देख सकते हैं एकदम गोल गोल से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसे लड्डू बनाने में, देखिए किधर से भी नहीं एकदम टूट रहा है ना, दरारे हैं, इतना मुलायम इतना परफेक्ट लड्डू एकदम बन रहा है कि एक बार आप भी बनाइए और देखिए। इसी तरह मैंने सारे लड्डू को देख सकते हैं मैं बना ले रही हूँ, एक एक करके सारे लड्डू मैं बना रही हूँ।
सारे लड्डू देख सकते हैं आप मैं बना ली हूँ। कितना अच्छा लग रहा है लड्डू, एक बार आप भी बनाइए और हमें कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी कैसे लगे। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप सभी को मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।